राज्य में तृतीय लहर मुकाबला प्रस्तुति करशु चिकित्सा स्वतंत्र हस्पिटाल सज्जा बढ़ा जा चिकित्सा उपकरण सहित अक्सीजेन महजूद रही अक्सीजेन प्लांटर व्यवस्था कर स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र कहते शिशु चिकित्सा डाक्टर ठार् आरंभ कर नर्स अन्य स्टाफ को तालीम दीजिए राज्य में एवं द्वितीय लहर संक्रमण चली किंतु अन्य देश में तृतीय लहर आसी जाइथरो आमको सतर्क रहिबाकु पड़िबो विशेषकर कम्युनिटी स्थान में कोविड नियम पालन करने को अनुरोध करछन्ति स्वास्थ्य निर्देशक जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहते यदि तृतीय लहर आसे और पिक पीरियड दैनिक संक्रमण 10,000 हुए तेज शिशु प्राय 600 आवश्यक पड़े कि राज्य सरकार 3,000 बेड पर प्रस्तुत होती कोविड हॉस्पिटल सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिशु सज्जा संरक्षण रही संभाव्य तृतीय लहर को आखिगे रखी हॉस्पिटल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट कार्यक्रम कर तृतीय लहर पर प्रस्तुत करे आमर बेड जनरल बेड जी बढ़िया कथा तापर सरकार गाइडलाइन अनुसार जो पेडियाट्रिक बेड गुड़िक बढ़ो जो सरकार आकलन कर आमर बेड भी तार प्रस्तुति चलती इक्विपमेंट आमर जानते भल भाव आम ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी वर्तमान एस्टाब्लिश आगु थिला ऑक्सीजन आम तो असुविधा नथिले वर्तमान भी ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्था चलती 4 नंबर जो कहले ड्रग्स ड्रग्स आमर से भी केत असुविधा नाला एवं भी असुविधा ना कि आग चाहिदा अनुजाई आमर कि अधिका ड्रग जोटा दरकार हम आम से किणार प्रक्रिया चलती आमर मोटामोटी भाव कह गले बारंबार आम कही आसा आम थर्ड फेज आम तो एपर्त भावनी आम सेकेंड्रु बाहर को गलु सेकेंड्री भी अच्छू भावु आम जो थर्ड फेज कंटिन्यू हम आमर इनफ्रास्ट्रक्चर नि आमर ड्रग अवेलेबिलिटी नियंतु आमर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नियंतु आमे आधेरे प्रस्तुत अच्छु तीन गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस होला जोटा शिशु मानकर एडोलेसेंट मानकर इफेक्ट बेसी हबो बोली सुना होची ता पई जो ट्रेनिंग करिया कथा आमे सब टॉप लेवल नै कि तळ लेवल पर लोक मानको आमे ट्रेनिंग दबार व्यवस्था करछु तृतीय लहर रो जहां प्रोजेक्शन हेची हम केंद्र सरकार केते लोड रहइबो ता हिसाब देइछन्दी हाराहारी जदि आमर पीक लोड द्वितीय लहर रे दिन को 10,000 जदि आम हिसाब करवा से अनुसार केन्द्र सरकार अनुसार आम हाराहारी पेडियाट्रिक बेड 600 दरकार पड़ो किंतु आम राज्य स्तर रे निष्पत्ति करछु आम 3,000 बेड पे व्यस्त होबु 3,000 बेड रु 200 रु 250 बेड हूँ आईसीयू बा एसडीयू बेड र प्राय 3,000 बेड छुआ मान संरक्षित हो विभिन्न कोविड हॉस्पिटल रे विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज रे एवं जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मानक रे तापे प्रस्तुति निर्देश दिया है कि प्रस्तुति करा हुछ टीकाकरण को परिवार कल्याण निर्देशक विजय महापात्र कहते अपहंच स्थान में मोबाइल फैन जरिए हेब टीकाकरण एवं सुधा राज्य में 1,86,00,000 डोज टीकाकरण सरी 1,43,00,000 प्रथम डोज 43,00,000 द्वितीय डोज दि जाएगी 10,00,000 कोविशील्ड टीका अच्छी आज 3,00,000 कोवैक्सीन आसव एवं ग्रामांचल अधिक फोकस कर ग्रामांचल पीएससी गुड़िक टीका दि जाऊँगी आवश्यक पड़े अधिक टीकाकरण केन्द्र नहीं सूचना रखिंट पर कल्याण निर्देशक आज आमर आसव कोवैक्सीन टीका आसव 3,00,000 डोज आसव से आम डिस्ट्रीब्यूट करदेबू एवं कोविशील्ड टीका भी आम पाखे प्राय 10,00,000 डोज महजूद अच्छे तेणु सब जिलार आम टीकाकरण कार्यक्रम जारी रही बर्तमान परिस्थिति में ग्रामांचल टीकाकरण जी डोज दिखाई सहरांचल अपेक्षा ग्रामांचल अधिका दिखाई तथापि जेहेतु ग्रामांचल बेनिफिशियरी बेसी अच्छा से मानक टीकाकरण करने आम ग्रामांचल प्रति गुरुत्व दौ तेणु सब प्राय समस्त पीएचसी आउ किसी सब सेन्टर भी आम टीकाकरण कार्यक्रम चालू रही जदि दरकार पड़े आम आहरी टीकाकरण केन्द्र ग्रामांचल बढ़ेबू जदि दरकार पड़े आम भी किसीटा मोबाइल टीम करें जो गाँव गुड़ाक हार्ड टू रिच एरिया से ही अंचल को भी आम पठेबू आम टीम एवं टीका देकर टीकाकरण कर बस्ती में अपराध बढ़िया पर चेतिला कमिश्नर पुलिस पुणी थे आरंभ होगा पुलिस बस्ती को चला अभियान निज निज थाना अंचल या बस्ती गुड़िकर पुलिस नजर रख बस्ती लोक सहित उत्तम संपर्क रखा सहित प्रति थाना रे नोडल अफिसर रे विशेषकर बस्ती गुड़िकल अपराध नियंत्रण सांग को ड्रग्स कारबार रोक जापर गुरुत्व देव पुलिस बस्तीर किसी युवक को दायित्व दिजाई डीसीपी
ବି କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ମେନ୍ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 90% ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବସ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଗଲା କିଛି ମାସ ଧରି ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବସ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଥାନାରେ ରହିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଜ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ 11 ବସ୍ତିକୁ ପାଇଲଟ୍ ନେଇଛୁ ପ୍ରତି ବସ୍ତିକୁ ଆମେ 2-2 ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତି ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ବସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ବସ୍ତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।